हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। होना भी चाहिए गाइज। सो सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम आप सभी को। और आज मेरी हो रही है यहाँ से विदाई। फाइनली मैं चलने लगी अपने ससुराल। काफ़ी टाइम हो गया है, 15 दिन के लिए आई थी और 20 दिन हो गए मुझे। लेकिन ये 20 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि अभी तो आए थे और जाने भी लगे। सो गाइज, पूरे 1 साल बाद गई हूँ, तब कहीं इतने दिन रह पाई हूँ। मुझे नहीं टाइम मिलता है, और कुछ कार्यक्रम हो अगर तो फिर आना जाना हो जाता है, लेकिन कुछ ना हो ना फिर नहीं निकल पाते हैं घर से। सो गाइज, मैं इधर से भी अकेले ही जा रही हूँ, उधर से भी अकेले ही आई थी। ये आ रहे थे मेरे साथ छोड़ने के लिए, जैसे तैसे इनका प्लान बना, लेकिन फिर इनको कुछ अर्जेंट काम आ गया, फिर नहीं आ पाए। और मैं बता दूँ आपको, ये 3 साल से नहीं गए हैं घर पे, चौथा साल लग गया है। जब भतीजा हुआ था ना, वो 3 साल का हो गया है, 3 बर्थडे हो चुके उसके, तभी ये गए थे जब वो हुआ था। मम्मी कई बार कह चुकी है घूम जाओ, काफ़ी दिन से नहीं आए हो, 3-4 साल से, लेकिन क्या करें, काम ही ऐसा है, टाइम ही नहीं मिलता है। सो फाइनली हम चल दिए यहाँ से। और सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे होंगे, मैं 5 बजे खड़ी हुई थी। यहाँ से ना डायरेक्ट बस है, सुबह की है, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। सीधा जाओ और बस घर पे पहुँच के बस स्टैंड पे फ़ोन कर देते हैं तो लेने आ जाते हैं। तो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, टाइम हो गया है 6:15 हो गई है और मैं रेडी हो गई हूँ। सिर्फ नव्या को रेडी करना है, नहा ली है नव्या, बस उसकी तंगी करना है। चलिए चलते हैं, बस का टाइम है 7 बजे, यहाँ से निकल जाती है। सो चलिए, आज मैंने ना जिस दिन आई थी उस दिन साड़ी पहनी थी, उस दिन के बाद आज पहन रही हूँ जब जा रही हूँ। सो गाइस, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, नव्या भी नहा ली है, इनकी भी कंघी कर देती हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने डेली ब्लॉगिंग की है, आपको डेली ब्लॉग देखने को मिला होगा, हर रोज़ मैंने अपलोड किया है। लेकिन मुरैना पहुँच के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है डेली ब्लॉगिंग करना। आपने देखा ही होगा मेरे कितने लेट लेट ब्लॉग आते हैं, 3-4 दिन बाद, कभी कभी तो 8-8 दिन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम भी कुछ नहीं है, उधर काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि सोशल मीडिया पे नहीं रख सकते हम, और बहुत सारी टेंशन भी होती है, इधर की उधर की, घर की बाहर की, बहुत कुछ होता है, तो फिर ब्लॉगिंग में मन ही नहीं लगता है। और दूसरा, जब हम घर से बाहर पैर रखते हैं ना, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, ख़त्म तो नहीं होती लेकिन कम हो जाती हैं बहुत। अभी जग गई है, देखिए क्यों अभ्या जाना नहीं है, क्यों अम्मा? अम्मा नहीं जाना, बनी रहोगी? क्यों अभ्या रोएगी तो नहीं? फिर इधर तो देखो, इधर तो देखो, इधर इधर तो देखो, रोएगी तो नहीं? ठीक है, अभ्या अपनी मर्जी से रुक रही है, वो नहीं रोएगी, बोल रही है मैं बनी रहूँगी, फर्स्ट टाइम रुकेगी इस बार मेरे बिना। चलिए, टाइम भी हो गया है, रेडी हो गए हैं, निकलते हैं। मम्मू नींदी आ रही है अभी? क्या अम्मू नींदी आ रही है? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि घर से बाहर पैर रखते प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन बहुत सारा टेंशन कम हो जाता है, और जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं फिर से वही तामझाम, बहुत सारे झंझट, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं जो कि सबके साथ होती हैं। सो इसीलिए हमें कहीं घूम के आना चाहिए। 1 साल हो गया घर में अंदर रह रह के ना, थोड़ा सा दिमाग भी अजीब सा होने लगता है, और बाहर कहीं घूमा तो थोड़ा सुकून मिल जाता है, टेंशन ख़त्म हो जाती है आदि, और थोड़ा अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। सो गाइस, अभी यहाँ पे अपना चार्जर वगैरह देख रही हूँ, रख लेती हूँ सारा कुछ, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आजकल चार्जर, मोबाइल, इसके बिना तो बस कुछ भी नहीं है। मेरे साथ नहीं, सभी के साथ। घर के लिए दोस्तों पी लेती हूँ चाय। सब्जी पूड़ी बन गई है, लेकिन खाने का बिल्कुल ही मन नहीं है, थोड़ा सा चख लिया है मैंने ताकि महावर लगा सकें, खाली पेट मतलब बिना कुछ खाए पिए नहीं लगाते हैं। सो नव्या ने खा लिया है थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाया है। दोस्तों, ये वक्त ना हर लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि
क्या ही बताएं, आप सब कुछ जानते हो। सो चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। मोदी जी हाँ क्या हुआ? सो गाइस फाइनली हम निकल आए हैं घर से बाहर और ये देखो ई रिक्शा भी आ गया। हमारे पड़ोस में एक भैया रहते हैं, उनका ई रिक्शा है तो वो ले आते हैं। जब मैं गई थी तब भी वो बस के पास पहुंच गए थे हमें लाने के लिए और आज भी छोड़ने जा रहे हैं। क्या पैर झूलिए? पागल किससे कह रहा है? पैर झूलिए नव्या से। क्यों झूलिए? लड़ाई हो गई? झूलिए उसने, झूलिए झूलिए। हाँ बाय कर लो नम्मो, बाय कर लो, बाय। क्यों दीदी से क्या एलर्जी है तुझे? सो गाइस बस में पहुंच गए हैं। ये देखिए पूरी बस अभी खाली सी है, दो चार लोग ही बैठे हैं, 5 मिनट में निकलने वाली है। ये सुबह वाली बस ना बिल्कुल खाली जाती है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, बच्चों को आराम से आप बैठा के ले जा सकते हो। अरे पैसे रहन दो, अरे नहीं, अरे दे दिए मम्मी ने, देख। आएगी क्या तू? मना कर रही है। ठीक है आओ जाओ निकल जाओ। 200 दिए मामा ने, 300 रुपए हो गए। कड़क नमो आ रही, नमो आ रही। और मम्मी ने कुछ चीज़ें रख दी थी खाने पीने की नव्या के लिए, तो नव्या का खाना और पीना सब कुछ शुरू हो गया है। यहाँ पे पी रही है कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी। कट गया होगा, फिर लगाना घर पहुँच, अभी लगाना, बस खड़ी होता, अभी आवाज़ नहीं आ रही बस। एक अंकल अच्छे थे।
बता था कि ना बच्चे हैं तो क्या हम गलत थोड़े पैसे दे जाएंगे? नहीं कोई बात नहीं, हम पूरे देंगे, 60 दिए उन्होंने पूरे। सो गाइस सुबह के बजे 11 और मैं ठंडे ठंडे में घर आ गई हूँ, और इधर से भी मैं गई थी ना जल्दी, तो 10:30 पे वहाँ पहुँच गई थी। सो गाइस मैंने भी हाथ मुंह धुल लिया है, बहुत तेज गर्मी लग रही थी, नहा के आए थे लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहाई नहीं है। नव्या ने भी हाथ मुंह धुल लिया, चलिए पानी पीते हैं, बहुत तेज प्यास लग रही है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। और आज रंजना भी चली जाएंगी शाम के टाइम पे, शाम को बस है उनकी दिल्ली के लिए, और हम भी आ गए, घर पूरा हो गया खाली, 15-20 दिन बहुत अच्छा लगा। तो चलिए यहीं पर हम इस वीडियो का एंड कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टाइम पर हमारे वीडियो देखने को मिलते रहें। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही अच्छी एक वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे एक ब्लॉग के साथ, अच्छी वीडियो का वेट करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी गाइस, बाय बाय।